ये मेरा खून नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें लगता है मुझ पे साड़ी अच्छी नहीं लगेगी? मैंने कब कहा कि तुम अच्छी नहीं लगोगी? मैं ये कह रहा हूँ कि छोटे कद की लड़की को साड़ी सूट नहीं करती। ओ हेलो, पहली बात मेरा कद छोटा नहीं है। दूसरा, तुम मुझे ये बताओ, आज तक तुमने कितने छोटे कद की लड़कियों को डेट की है? यार एक तो तुम्हारी ये शक करने वाली आदत ना कभी नहीं बदलेगी, यूनिवर्सल फैक्ट है, सबको पता है। ये कौन सा यूनिवर्सल फैक्ट है जो मुझे नहीं पता? तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और बात है या वैसे ही मेरे दिमाग की दही करती रहोगी? दिमाग, वो भी तुम्हारे पास? ठीक कह रही हो, अगर मेरे पास दिमाग होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ होता? तंस करने के अलावा कुछ और नहीं सोचता तुम्हें? सोचता है ना, पूछूं? हाँ पूछो। मैंने कभी तुम्हें कुछ पूछने से मना किया है? ये बताओ इस टी शर्ट के नीचे ब्रा किस कलर का पहन रखा है? वेल, एज एक्सपेक्टेड, अपनी सोच के हिसाब से फजूल बात ही की है। अभी कोई कह रहा था जो पूछना है मुझसे पूछ लो, अब बता नहीं रही। अरे यार, बताने में तुम्हें क्या मजा आएगा? पता नहीं तुम लड़कों को लड़कियों से ऐसी फजूल बातें पूछ के कौन सी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है। और बताना क्या, कहो तो दिखा दूं? रियली प्लीज दिखा देना यार। ओके, वेट अ मिनट, रेडी, 1 2 3 गो। देखा लड़की लोग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जितना भी क्यूट हो उसकी हर घटिया बात मानने की जरूरत नहीं होती। हे एवरीवन, आशीनुगे द ग्रेट बाइकर ऑफ द यूनिवर्स आपको कुन मलिर के टूर पर लेके जाएगी और बाइक पर स्टंट्स भी दिखाएगी। आपने तो सारी उम्र बाइक के पीछे डरी हुई सिमट कर बैठी हुई लड़कियों और आंटियों को ये कहते हुए गुजार दी, ओ बाजी ध्यान से दुपट्टा टायर में आ रहा है। आज आप शीनू गई द ग्रेट को बाइक चलाते देखेंगे और कहेंगे, ओ बाजी ध्यान से हमारी फट रही है। कहाँ जा रही हो तुम? कुनमलीर जा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा बाप आ रहा है, घर पे रहो। मेरा कोई बाप नहीं है। और वो अब आपका क्या लगता है, एक्स हस्बैंड जो मेरी उम्र की लड़की के साथ अपने बैंगलोर में बिना शादी के रह रहा है, ऐसे थर्ड रेट आदमी से मिलके मेरी कौन सी अखलाकी तरबियत होनी है जो मैं घर पे रहूं? बकवास मत करो, बाप है तुम्हारा, पैदा किया उसने तुम्हें। पैदा किया? पैदाइश का एहसान मत झाड़ा करें आप दोनों, टेस्ट ट्यूब से भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी की ग्रोथ देखिए कहाँ जा रही है, आने वाले 10-20 सालों में ना बच्चे डाउनलोड भी होना शुरू हो जाएंगे, तब आप जैसे पेरेंट्स की ना ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी खत्म हो जानी है। मुझसे बहस करने के सिवा कुछ आता है तुम्हें? आप घर पर ठहरे तो मुझे कुछ सिखा सकें, आपको तो अपनी पार्टीज इवेंट मैनेजमेंट से फुर्सत ही नहीं मिलती। भाड़ में जाओ, जो करना है करो, लेकिन रात को जब तुम्हारा बाप घर आएगा और तुम उसे यहाँ ना मिली तो जो होगा देख लेना। ओह माय गॉड मम्मा, मैं तो डर गई। प्लीज लीव। आप लोगों को पता है ये घर नहीं है, ये चिड़िया घर है जहाँ सिर्फ जानवर ही रह सकते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान का बच्चा इस घर में एक दिन रहे ना वो पागल खाने चला जाए। मेरा वीलॉग बनाने का मकसद आप लोगों से बातें करना, और दूसरा बाहर जाने से मैं नॉर्मल रहती हूँ। तो अभी हम चलते हैं कुनमली, वहाँ पे करते हैं फन। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि हमें कितना मजा आने वाला है वहाँ पे। तो गाइस, इससे पहले कि मेरी माँ आ जाए हम निकल जाते हैं। एंड आर यू रेडी? मैं तो रेडी हूँ। सो तैयारी के साथ हम चलते हैं आज। सुनोगे कुनमली, इसको थोड़ा सेट शेयर करें। डन। ओके, मैंने ग्लासेस तो पहने ही नहीं। अशरफ दरवाजा खोलो।
आई नो गाइस, कुन मलीर देखने के लिए आप सब बेताब हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। सो बाइक रोक दी हमने, अब चलो देखते हैं सराउंडिंग। खाना दोनों साथ नहीं ले सकते? अरे काफी नहीं सकता, मर्जी है तुम्हारा, हमको बताओ चाय लावे खाना। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, ये बताओ खाने में क्या क्या है? खाने में मैडम अंडा चना, दाल चना, सब्जी, भिंडी, दाल फ्राई, आलू गोश्त, आलू बस बस, ये बताओ भिंडी कैसी बनी है? भिंडी एकदम टेंट बना है मैम साहब, बहुत टेंट बना है। बस तो एक प्लेट भिंडी और साथ में गर्मा गर्म रोटी ले, जल्दी से। अरे एक रोटी मैडम, एक रोटी कम नहीं रहेगा? जो कहा है ना ले आओ, ज्यादा अम्मा बनने की कोशिश ना कर। लाता हूँ रे। देखा गाइस आपने, होटल की तरह यहाँ के वेटर्स भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सो लेट्स सी गाइस, खाना मैं खा चुकी हूँ और खाना बहुत मज़ेदार था। अब देखते हैं इस होटल की बैक साइड पे क्या है। आपको पता है कुन मलीर कराची से 240 किलोमीटर दूर वाक़े है, और ये वाक़े है मकरान हॉस्टल हाईवे पर। बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग भी बहुत हसीन है। हेलो, बहुत प्यारे प्यारे हैं, देख रहे हैं आप, इतने ज़बरदस्त से बच्चे हैं जो कि होटल में काम भी कर रहे हैं इतने छोटे होके, लेकिन कोई बात नहीं, कीप इट अप। वाओ, कैसे हो आप लोग? चलो अपना काम करो आप, मैं आगे चलती हूँ। जनाब यहाँ पे हम मौजूद हैं साहिल पे कुन मलीर के, और सामने आप देख रहे हैं वॉशरूम है, मैं वहाँ करीब भी लेके जाऊँगी, लेकिन ये आई थिंक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए, लेकिन यहाँ का साहिल कराची के साहिल से बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा है गाइस। आई लव दिस प्लेस, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को मेरे साथ। आप देखें यहाँ दूर दूर तक कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही। मेरी मम्मा कहती है कि कराची के साहिल को तो हमने इतना गंदा किया हुआ है कि वहाँ तो डायपर्स तक होते हैं। देखें गाइस, ये वो वॉशरूम है जो मैं आपको सब दिखा रही थी, और ये कितना साफ़ सुथरा है। यू नो वॉट, यहाँ की अच्छी बात यह है कि यहाँ के मकामी लोगों ने ही इस वॉशरूम को बनाया है, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है इसका। और ये देखें गाइस, अभी मैं आपको समंदर दूर से ही दिखा रही हूँ, क्योंकि जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे तब तक सनसेट हो जाएगा या होने वाला होगा, तब मैं आपको असल मंजर दिखाऊंगी यहाँ कुन मलीर के समंदर का, और फिर आप मेरे साथ इंजॉय करेंगे। अभी तो बहुत गर्मी हो रही है। ओहो, किसकी कॉल आ रही है गाइस? आप एक मिनट रुकें, मैं देख लूँ ये किसकी कॉल आ रही है। ओह डैड, इनको महीने में एक दिन ही बेटी याद आती है। जी पापा बोले। मैं कुन मलीर में हूँ। नहीं मम्मा ने बताया था, नहीं मैं भूली नहीं हूँ, मुझे लगा आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं आपको घर पे दिखूँ या ना दिखूँ। Well, I think, Papa, it's just a routine visit of you to see me, ताकि आप circle में show off करा सको that you still care for your daughter. Come on, Papa, कभी खुद से तो honest हो जाया करें, औलाद और बीवी से तो आप हो ना पाए। Please, Papa, don't shout at me. मैं आपकी girlfriend से एक बरस ही बड़ी होंगी। Hello? Hello? Papa? Hello? फोन काट दिए, अभी तो हमने बोलना शुरू ही किए थे। चलो
डियर फॉलोअर्स, आपको पता है कि लड़की कब अपने पेरेंट्स की इज्जत करना छोड़ देती है? नहीं जानते ना, मैं बताती हूँ। जब उसके पेरेंट्स उसकी परवाह करना छोड़ देते हैं और वो सिर्फ इसलिए रابطہ रखते हैं ताकि वो दुनिया को बता सकें कि वो पेरेंटहुड नामी चुतियापे को ओन करते हैं। आपको पता है मेरी अपनी मम्मा से कब बात होती है? जिस दिन पूरे शहर में कोई इवेंट या रात को पार्टी नहीं होती, और पापा तब घर आते हैं जब उनकी गर्लफ्रेंड अपनी फैमिली से मिलने अपने नेटिव टाउन चली जाती है। माय डैडी सक एज डैडी, बट ही सो लविंग एंड केयरिंग एज शुगर डैडी। मुझसे ज्यादा एक्सपेंसिव गैजेट्स उस लड़की के पास हैं जो मुझसे सिर्फ एक साल छोटी है। ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स बहन के टके होते हैं, लेकिन हमारे सर्कल के सारे बहनचोद ऐसे ही हैं। गाइस, अब हम जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है जहाँ मेरी एक दोस्त रहती है। सो लेट्स गो। अब आप मुझे देखें और मैं सामने देखूंगी, अच्छी तो मैं लग ही रही होंगी। ओके, चाबी। इसको क्या हुआ? गाइस चलो बाइक देखते हैं, स्टार्ट नहीं हो रही। आप भी देखें और मैं भी देखती हूँ। पेट्रोल तो ऑन है। अब मैं क्या करूँ? कोई बंदा तो मिलेगा यहाँ पे जाके। हेलो हेलो, कौन है? उठो भाई। कौन है? कौन है? मैंने कुछ नहीं किया। होश करो। आप कौन हो? हूरो, क्या मैं जन्नत में आ गया हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये जन्नत नहीं हो सकती। क्यों बेटा, मैं हूर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने पैंट पुशर्ट पहना हुआ है और ये हूर का लिबास नहीं होता। भूतनी के, तेरे पास क्या हूर की ड्रेस कैटलॉग है जो तुझे पता है वो क्या पहनेगी? अरे नहीं मैडम जी, मगर जन्नत की हूर पैंट शर्ट नहीं पहनती। खैर छोड़ो, ये बताओ आपने मुझे क्यों जगाया? साले तुम हो कितने छोटे से, तुम्हें भी हूर वेस्टर्न ड्रेस में कबूल नहीं। टिपिकल पाकिस्तानी मर्दों की घटिया मेंटालिटी। वेल, मेरी बाइक खराब हो गई। तो क्या शक्ल से मैं आपको मैकेनिक लगता हूँ? शक्ल से तो तुम बिल्कुल उठाई गिरे लगते हो। ये बताओ कोई आसपास मैकेनिक या वर्कशॉप है? वर्कशॉप तो नहीं है, एक मैकेनिक है, मगर आज वो छुट्टी पर है, कल सुबह आएगा। कहीं करीब रहता है तो उसे फोन करके बुला लो, मैं उसे डबल चार्जेस दे दूंगी। इस वक्त तो वो खुद डबल लगाकर धुत पड़ा हुआ होगा मैडम। अब मैं क्या करूं? आपको मैं एक एडवाइस दूं? हाँ, लेकिन ऊपर देख के नीचे तेरी बहन का मुजरा नहीं हो रहा है। आप आज रात यहीं ठहर जाओ, मेरा मतलब मेरा रिजोर्ट सस्ता भी है और यह पंखा भी दिन रात चलता है, आपको मजे की नींद आने वाली है। अरे देखो मैडम जी, एक घंटे में सूरज ग्रुप हो जाएगा, फिर तो इस सड़क पर ट्रक वाले भी सफर नहीं करते ताकि उनको कोई लूट ना ले। आप तो फिर भी अकेली लड़की हैं।
रिजॉर्ट का किराया बताओ ऊपर देख के। अरे किराए को मारो गोली, आओ रिजॉर्ट देखते। अरे आओ आओ मैडम, अपना ही रिजॉर्ट समझो, ऐसा कमरा दिखाऊंगा ना कि बस। कुल मिला के तुम्हारे रिजॉर्ट में कितने कमरे? कुल मिलाकर 10 होंगे मैडम। इसमें से बुक कितने? बुक तो सिर्फ एक ही है। फैमिली है? फैमिली कैसे होगी मैडम, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। अबे साले, कोई फैमिली स्टे कर रही है? अरे नहीं मैडम, फैमिलियाँ तो यहाँ हफ्ता एतवार ही आती हैं, और वो भी रिजॉर्ट कम ही लेती है, ज़्यादातर तो एडवेंचर करती हैं या कैंप लगा लेती हैं, और जब कीड़े मकोड़े उनको तंग करने लगते हैं तो वो यहाँ से भाग जाती हैं। फिलहाल कराची का एक लौंडा आया हुआ है। कराची से जो यहाँ रहने आए वो लौंडा हो जाता है, इस हिसाब से मैं लौंडिया हुई? अरे नहीं मैडम, दरअसल मेरा बाप मुझे छोकरा बुलाता है, और मैं अपने भाइयों को लौंडा। खराबी अपनी जबान में है मैडम, कराची वालों में नहीं। खैर आप ये बताएं, आपको हमारा रिजॉर्ट कैसा लगा? रिजॉर्ट का मैं बाद में बताऊंगी, पहले कमरा दिखाओ कमरा कैसा है। अरे कमरा दिखा देंगे मगर आप बताएं तो सही रिजॉर्ट कैसा है। और सबसे अच्छा कमरा दिखाओ। सबसे अच्छा कमरा मेरे पीछे ही है मैडम। देखो अभी ये कहाँ से आ गया? ये देखे मैडम, इससे अच्छा कमरा मैडम पूरे रिजॉर्ट में नहीं है। और सबसे ये देखो, ये बिल्कुल सामने समंदर। और सबसे खास बात इस कमरे की मैडम, इस कमरे में बेड भी है, मेज भी है, कुर्सी भी है, पंखा भी है और लाइटें भी हैं। सबसे बड़ी बात, पंखा चलता भी है और लाइटें जलती भी है। सब कुछ आपका मैडम, जब आप किराया दे दो। आपकी खातिर तो एक रुपया भी कम नहीं होगा, बाकी जितना ज्यादा आप देना चाहें आपकी मर्जी। चलिए ठीक है मैडम, जो काम हो टट्टू हाजिर। अगर मुझे पता होता कुंडमलीर के उस रिजॉर्ट में मेरा रात गुजारने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस होगा, तो मैं वहां ठहरने के बजाय रात को पैदल वापस आने को प्रेफर करती। डू यू नो गाइज, बाज़ वक़्त आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि जिंदगी ने आपके लिए कैसा सरप्राइज गिफ्ट रैप करके रखा हुआ है। शिट। Oops. कैमरे के सामने कपड़े बदलने से व्यूज तो बहुत मिलेंगे लेकिन खुद की नजरों में रेटिंग डाउन हो जाएगी। सॉरी गाइस। इवन दो आई नो दैट ही डजंट वांट टू हियर अबाउट माय बैक फ्रॉम डेड सेक्स लाइफ, आई कॉल साथ, आई नीड टू टॉक, आई एम कमिंग टू टाउन नेक्स्ट वीक, साथ सेज बिफोर आई हैव इवन गॉटन अ वर्ड। डियर फॉलोअर्स, वेट अ मिनट, इस इडियट को पहले फारिग करते हैं। एक तो तुम्हें चैन नहीं है, जैसे ही मैं पल भर के लिए खुश होती हूँ तुम फौरन मूड ऑफ करने के लिए कॉल कर देते हो। अच्छा तो फिर मैं फोन बंद कर देता हूँ। नहीं, मैंने कब ऐसा कहा? हसरत ही रह गई है, कभी तो मुस्कुराकर बात कर लिया करो, हमारी हर फोन कॉल का एंड लड़ाई पर ही क्यों होता है? लड़ाई मोहब्बत का पहला पड़ाव होता है मेरा बच्चा, लड़ाई से साबित होता है कि वी एक्चुअली केयर। कौन सा अब्बा? तुम्हारे कितने अब्बा हैं? यार मैं सुबह घर से कुंडमलीर आ गई थी। साथ कौन है तुम्हारे, नादिया या हिना? मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरी बाइक है और मेरा कैमरा। पागल हो तुम?
कहीं भी निकल जाती हो। पता भी है जिस एरिया में तुम हो वो कितना डेंजरस है? कुछ भी डेंजरस नहीं है। आखिर तुम मर्द लोग कब अपनी औरतों पे भरोसा करना शुरू करोगे? और जो जगह मेरे लिए सेफ नहीं है वो तुम्हारे लिए सेफ कैसे हो सकती है? मैं एक मर्द हूं। लेकिन बेटा तुम मुझसे ज्यादा क्यूट हो। ऐसे इलाके में जो डेंजर मेरे लिए है वो तुम्हारे लिए भी है। बकवास बंद करो शिनोबी, इट्स नॉट फनी, इट्स रियली नॉट फनी। मेरी लाइफ एक जोक बनकर रह गई है यार, सब कुछ फनी लग रहा है। इवन के अभी तो मुझे तुम्हारा और अपना रिलेशनशिप भी फनी लगने लगा है। प्लीज गेट लॉस्ट, बाद में बात करूंगी। डियर फॉलोअर्स, आज मैं आपको बताती हूँ जब जिंदगी आपकी हर एंगल से ले रही होती है तो कैमरा किस तरह खड़े करके अपने आप को रिकॉर्ड किया जाता है। लर्न दिस। अबे है कौन तू? एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? कोई लड़की अकेले नहा रही हो तो उसे उबाशों की तरह देखोगे? तुम्हारी इतला के लिए बता रहा हूँ कि ये एक ओपन बीच है, हमारा वॉशरूम नहीं। अबे है कौन तू? ये तो मैं अबे नहीं, जाबिर नाम है मेरा। जाबिर हो या साबिर, आई गिव अ डैम, तू कर क्या रहे यहाँ पे? मैं I'm just having a great time here. मैं भी तुम्हारी तरह इस रिजॉर्ट में ठहरा हुआ हूँ। Whatever. And you know the funny thing is, मेरा रूम तुम्हारे साथ वाला ही है। Whatever. Wait a minute. तू मुझे stalk कर। Stalk? लगता है तुम्हें अपने बारे में बहुत ज्यादा खुशफहमी और हम मर्दों के बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी। Miss, यहाँ सिर्फ एक ही समंदर का साहिल है जहाँ रुका जा सकता है, और अगर कोई इस उजाड़ जगह पर आ भी गया वो भले ही अपना पूरा दिन रूम में गुजारे पर सनसेट देखे तो जरूर बीच पर आएगा ना। You're right. I'm sorry. मुझे किसी और पे गुस्सा था, खाली के लिए तुम पे निकाल दिया मैंने। It's okay. By the way, you smoke? Yes. लेकिन मेरा अपना खुद का ब्रांड है। कमो मना दे चर्च न कशा तो मना मना कोता तई दस्ते चले मा फिर कचली मैश करी सर। वाह भाई, क्या आवाज है आपकी डड्डू साहब, ऐसा लगा जैसे इस वीराने में बाहर सी आ गई। वैसे इस गाने के बोल का मतलब क्या है? टट्टू होगा तुम्हारा बाप। पहले ये बताओ मेरी चिड़ किसने बताई आपको? अबे साले भूतनी के, तेरे को आधे पैसे में कमरा इसलिए नहीं दिया था कि तू हमारे घर के राज फाश करे। आज बोल दिया है ठीक है ना, आइंदा अगर गाली दी ना तो साला कहने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। तू तो एकदम डिमोटिवेशनल हो गया। गाली नहीं है, लकब है। लकब? लकब है तो सही है ना, आज समय भी तेरे को एक लकब दे।
आज से तू मेरा साला। मगर मेरी तो कोई बहनी नहीं है। है ना? तुम मेरी बहन हो, मेरे बाप ने कभी बताया नहीं। मैं यहाँ दिन रात कुत्तों की तरह काम कर रहा हूँ और तू बाइक पे मजे उड़ा रही है। कैसी बहन है यार? बको मत। ये बताओ, ये आधे किराए वाला क्या सीन है? मर्दों से तुम आधा किराया और हम बेचारी लड़कियों से पूरा किराया लेते हो? कसम है मुझे रजनीकांत की, जो आपको बेचारा समझे उसके पूरे गांव पे लानत। जितनी आप आफत हो ना, आपसे तो मैं आधा किराया भी ना लूं। आप हुकुम तो करो। पिटे मुँह तुम पे और तुम्हारे डिस्काउंट पे। अजीब हो रहे थे यार, डिस्काउंट पे लानत भेज रही है। वैसे तो सेल पे टूट पड़ते हैं, नहीं कर। क्यों बे, घूर क्या रहा है? कभी लड़की नहीं देखी है? अरे इतने सालों बाद तो यहाँ पे कुछ कूरने को मिला है हमको। बको मत, जा अपना काम करो। अरे वही तो कर रहा हूँ। हमको लगता भिंडी में मिर्ची तेज हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कोई मतलब मतलब नहीं है, तुम यहाँ क्यों आए? सारा मजा खराब कर दिया। डड्डू डांस कर रहा था, गाना गा रहा था। Really, डड्डू? Yes, but I don't gurura. मेरे साथ डांस करोगे? अरे जब मैं इन दोनों भूतनी वाला आया हूँ, मतलब इस कार्टून के साथ डांस कर सकता हूँ, तो आपके साथ तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अबे साले, डांस तो करो फिर। लो, लगाओ फिर म्यूजिक, वरना मैं मुंह से ही डिंग। नहीं नहीं नहीं, मैं म्यूजिक लगा रही हूँ, म्यूजिक लगा। जब आपके इर्द गिर्द अंधेरा हो तो ये इस बात का साइन होता है कि अब आपकी लाइफ में भी अंधेरा होने जा रहा है। बट वी आर सो डम टू नोटिस दैट। काश ही मैंने उस वक्त नोटिस कर लिया होता।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने कमजोर समझ रखा है मुझे। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, थप्पड़ मारूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। सही से पकड़ो। बाज़ वक़्त जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो दिल करता है कि काश वो आपकी जिंदगी से मिट जाए, ऐसे कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना था। लेकिन आपके विश से तो कुछ नहीं होता ना। जो हो चुका होता है वो अपनी तमाम तर अजियत और तकलीफ के साथ आपके अंदर कहीं मौजूद रहता है, दिन रात जगाता है, सोने नहीं देता, पल पर नुश्तर चुप होता है। उस रात कैमरा चेयर से नीचे गिर गया था तो मेरे साथ जो हुआ उसका कोई फुटेज नहीं, लेकिन आवाजें हैं जो मेरे आसाब पे दिन रात बरसती हैं। तो सुने और जाने कि इंसान जब हैवान बनते तो वो कैसा बिहेव करते हैं। छोड़ो मुझे, इतनी जोर से तुम मार दी तूने। कुछ नहीं हुआ, परेशान नहीं हो तुम पट्टू। अबे तू तो बिल्कुल ही खामोश हो गई, बेहोश हो गई। हाँ बेहोश हुआ है, मरा नहीं है। चल अब जल्दी बता पहले कौन जाएगा। पहले ये भी पूछने वाली बात है, पहले मैं ही जाऊंगा। क्यों लेके आया कराची के लोने को? रेमू बताओ, पिछली बार वाला सीन तो क्या अच्छी लड़की थी यार, वो एक चमाट नहीं मारी तो मेरी पसलियां तोड़ दी, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। पहले तो मैं ही जाऊंगा क्योंकि जाबर कभी गीली पिच पे बैटिंग नहीं करता। अरे जाओ ले, तुम ही जाओ पहले। सुना उसको होश आ जाए। पहले तू जा, क्या सारे पीने। अरे डड्डू इसका परस मरस में देखो पैसा वैसा है। भाई यहाँ मेरी फटी पड़ी हुई है, तेरे को पैसों की पड़ी है। अच्छा चुंजर तुम आखिर में ही जाना, वैसे भी तुमको एक ही मिनट लगेगा। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ चुंजर। अबे इसे देख तो सही। अबे वो 250 सीसी आराम से यार। अरे जानवर अरे जल्दी करो, आइडिया हमारा उससे पहले तुम ले रहे। वाह पैसे साढ़े ते पार्टी साढ़े यार दी। जाओ बे जाओ, इसको जाना अभी खेलने जाए। टट्टू तू तो इधर आ, तेरे को मैं टोटके बताता हूँ खेलने के। इसका लियो जा रहा हूँ। हाँ टट्टू फिर आ रहा है। अबे देख देख नो पार्किंग पे गाड़ी पार्किंग करते। अबे तू तो सीरियस ही हो गया। एक बात है यार, अगर तू इसकी बाइक खराब नहीं करता ना तो आज ये मजे। समझ रहा है ना? समझ गया, बच गया मैं। दो कदम भी तू आगे आता ना, जैसे इसके बाइक का पलक काटा ना वैसे तेरा मैं काट देता। पता है इसकी सिगरेट का ब्रांड बड़ा टाइट है, सिगरेट तो पकड़ा। बस कर दे रेमू, ऐसे तो मेरी कल पारी आनी है। वैसे लौंडे
अगर तू नहीं होता ना तो इसकी जगह पलंग पे मैं और रेमो होते। मना करो तुम भी भाई लौंडे सिगरेट प्लान को। ये ले सिगरेट, लेकिन अब ये बता इसका क्या करना है? करना क्या, मार के यहीं पे गाड़ देते हैं इसको। अबे भट्टू, मरना क्यों ऐसे? सुबह होते ही ये खामोशी से निकल जाएगी। हमारा बात मान लो, उसको मार देते हैं, ऐसा ना हो कोई और मुसीबत गले पड़ जाए। अबे यार तू भट्टू ही है, होश आते ही इस चिड़िया की ना पर निकल लेंगे और ये हो जाएगी फुर। हाँ तो मारने मारने की जरूरत नहीं है इसे। को नहीं लगता ये इतनी आसानी से जान छोड़ेगा हमारा। परेशान नहीं हो, अगर नहीं जाएगी तो एक राउंड और खेल लेंगे। आ गया टट्टू, मजा आया। निकल आ।
हेलो, जल्दी बोलो क्या बोल रहे हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ है? मेरा मूड ऐसा ही रहता है, तुम्हें पता है। क्यों, मैं कोई तुम्हारी जरखरीद गुलाम हूं जो तुमसे हर वक्त अच्छे मूड से बात करना मुझ पे फर्ज है? ये पूजा करने वाली गर्लफ्रेंड चाहिए ना भोसड़ी के, तो जा अपनी किसी कजन को ताड़ो और फंसाओ, उसी को कॉल किया करो, मेरे अंदर मत घुसो। सब मर्दों की गाड़ियों में मिर्चों का डंडा देना चाहिए जो लड़की को इंसान के बजाय एक सुराख समझते हैं। कुत्ते हरामी साले। अरे आज क्या भड़ुओं का आलमी दिन है जिसको देखो कॉल किया जा रहा है। जी बाबा। जी बोलें। मैं अभी तक कुनमलीर हूँ। नहीं नहीं, वापस आ रही हूँ। क्यों, आप कहते तो नहीं आती। वैसे आप वापस गए नहीं, मुझे लगा आप आए ही नहीं होंगे, और आए होंगे तो फौरी वापस जा चुके होंगे अपनी शहीदी के पास। जानती हूँ आप मेरे बाप हैं, मुझ पे आपकी इज्जत फ़र्ज है, लेकिन ऐसे में आप पर भी तो अपनी बेटी का ख्याल रखना वाजिब है कि नहीं? देखिए पापा, इस वक्त मेरी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपका लेक्चर सुन सकूं। अरे नहीं सुनना मुझे तेरा लेक्चर साले भोसड़ी के, पैदा किया तो खुदा बन गए हो। तुम दोनों अपने मजे और चस्के के लिए सेक्स करते रहे, इसमें मैं पैदा हो गई तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझ पे एहसान कर दिया है। हरामज़ादा, 19 बरस की हूँ मैं, होश संभालती मम्मा के 10 अफेयर और आपके तो 100 से ज्यादा अफेयर देख चुकी हूँ। अब तुम मुझे फैमिली मोरल्स और एथिक्स पे लेक्चर दोगे? अभी के अभी घर से दफा हो जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी दीवी भीख और पॉकेट मनी। मैं घर आ रही हूँ, अगर घर में दिखे ना तो गार्ड में लात मार के निकालूंगी। खबरदार जो जिंदगी में दोबारा अपना मनुष्य चेहरा दिखाया। I hate you, I hate mama, I hate everybody. You are the reason my life is totally fucked up and I'm a total messed up. Get lost.
चड्डू! चड्डू! अबे साले किधर है तू? चड्डू! तुम तो चली गई थी, वापस वापस कैसे आ गई? क्यों आई हो यहाँ? मैं तो जा रही थी, यूं समझ लो तुम लोगों से डर के भाग रही थी। फिर मुझे ख्याल आया, ये पूरी दुनिया तुम जैसे हरामियों से भरी हुई है। एक लड़की कहाँ तक भागेगी, कितना भागेगी, चौराहों, सड़कों और यहाँ तक के घरों में भी कोई ना कोई हमारी इज्जत लूटने के लिए तैयार बैठा है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। खुदा की कसम ये आइडिया मेरा नहीं था, ये आइडिया रेमू का था। रेमू बोला कि ये घटिया लड़की है, इसके साथ हम कुछ भी करेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएगी। और वो कराची का लौंडा जाबिर है ना, जाबिर ने कहा था कि जब हम तुम्हारे कमरे में एंटर होंगे तो तुम फौरन मान जाओगी, मगर तुमने तो शोर मचा दिया और मुझे लाते भी मारे। खुदा की कसम अब तक पसलियों में दर्द हो रहा है। इसका अंदाजा तुम तो क्या, दुनिया का कोई मर्द भी नहीं लगा सकता। तुम हरामजादों को क्या पता, जिनकी इज्जत लुट जाती है, जिनकी आबरू छिन जाती है, कैसा महसूस होता है? अपनी थोड़ी सी देर की खुशी के लिए तुम 6-6 महीने के बच्चों को भी नहीं छोड़ते। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। भोसड़े के, तुम किसी को बताने के लायक बचोगे तो ना। Thank you.
क्या किया है तुमने मेरे साथ? अभी तक तो कुछ नहीं किया है। देखो देखो मुझे यहाँ से निकालो वरना वरना क्या वरना अच्छा नहीं होगा। इससे बुरा मेरे साथ और क्या हो सकता है? मैं चाहती तो जब तुम बेहोश थे मैं इस बल्ले से मार मार कर तुम्हें ऊपर पहुंचा देती। उसमें मेहनत कम लगती जितनी मेहनत तो जैसे सांड को वहां से घसीट के लहान लाने में लगी। देखो मुझको यहाँ से बाहर निकाल दो, ये मैं समझ ना मैं अकेला हूँ। अभी यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएगा फिर तुम किसी चुहिया की तरह यहाँ से भागेगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। रामजादी दोनों चूतियों को मैंने कहा था इस रंडी को यहीं पे मार कर काट दो, मगर मसला बन गई ना हमारे लिए। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए तू अब तक जिंदा है। तुम जैसे मर्द हम जैसी लड़कियों को फजूल क्यों समझते हो? प्रॉब्लम क्या है? उल्लिया देखा है अपना? शीशे में देखो कभी, प्रॉब्लम तुमको खुद पता चल जाएगा। ये तुम आधा नंगा जो साहिल पे घूम रहा है ना, सिगरेट पी रहा है, गालियां दे रहा है और न जाने क्या क्या कर रहा है। अरे शरीफ लड़कियां ऐसा होता है क्या? तो मैं हुलिया से शरीफ नहीं लगती? नहीं लगता। तो फिर क्या लगती हूँ? तवाइफ लगता है तवाइफ। तो शरीफ लड़कियां कैसी होती हैं? अरे तुम क्या जानो शरीफ लड़की। शरीफ लड़की ना अपना घर में रहता है चादर डाल के, तुम्हारी तरह ऐसा नंगा आवारा नहीं घूमता और अपना महरम की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलता। बहन के लोड़े मैं कई औरतों के नाम बता सकती हूँ जो घरों में बैठी हुई और तुम जैसे हरामियों ने घरों में घुस के उनका रेप किया। सैकड़ों लड़कियां हैं जो घरों से खुद को चादर में लपेट कर बाहर निकली और शाम को बेआबरू होकर घर आई। तुम लोगों ने 6-7 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम जैसों को तो जिंदा छोड़ना नहीं चाहिए। हो गया तुम्हारा बकवास खत्म। देखो 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 हमको यहाँ से निकालो। हम तुमसे वादा करता हूँ हम कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ। अरे खोलो हमको। देखो मेरी बात सुनो। देखो देखो मैं वादा करता हूँ मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। खोल दो हमको। मैं भी एक वादा करती हूँ। खोल दो। तुम ये कहने के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे। अरे खोल दे हमको चिराल। निकाल दे मुझे यहाँ से।
तुम? मुझे तो साले चूतिया डड्डू ने बोला था कि तुम खामोशी से वापस चली गई। काश डड्डू तुम्हें ये भी बता सकता कि जितनी खामोशी से मैं गई थी इतनी ही खामोशी से पलट भी आई हूँ। लेकिन ना तो बेचारा डड्डू ये बताने के लिए जिंदा रहा और ना ही रहमू। अच्छा, तो तुमने डड्डू और रहमू दोनों को मार दिया। अच्छा लतीफा है। हम लड़कियां तुम मर्दों की गांड नहीं मार सकते, बाकी जान से मारना कोई मसला नहीं। तुम मर्द लोग जितना मजबूत और ताकतवर बनते हो उतना होते नहीं हो। साली रंडी, सारी रात मेरे नीचे रही है, अभी भी मैं तुझे मर्द नजर नहीं आ रहा। लगता है तेरे साथ एक राउंड और खेलना पड़ेगा। इस बार खेलने की बारी मेरी। जब तेरी आंखें बंद होती हैं तो तुम कितनी क्यूट लगती हो, और आंखें खोलते ही खूंखार बिल्ली बन जाती हो। तुम्हें जितनी बकवास करनी है कर लो, क्योंकि आज से तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। सीरियसली डार्लिंग, आई लव योर कॉन्फिडेंस। मुझे तो अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसी नन्ही चिया ने डड्डू और रहमू को मार दिया। ये भी तो हो सकता है मैंने उन दोनों को ना मारा हो और तुमसे झूठ बोला हो। मैं नाम और शक्ल से बिल्कुल गवारी लगता हूँगा, लेकिन मेरा IQ इतना कम नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पुलिस को रिजॉर्ट में डड्डू और बीच पर रहमू की डेड बॉडीज मिल गई हैं, और अब पुलिस एक छोटी सी चुहिया को ढूंढने की कोशिश कर रही है जिसके पास वो बल्ला है, और यकीनन उसी में ही डड्डू और रहमू का खून लगा हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि टट्टू और रहम को तुमने मारा हो। मैं क्यों मारूंगा उन बेचारों को? क्योंकि जब तू रेप कर रहा था मेरा, बेचारे टट्टू ने देख लिया था, और होटल के शरीफ और गरीब रहमू ने तुम्हें मेरी इज्जत लूटने से मना किया था, और तुमने उन दोनों को मार दिया और मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आ गए। वाओ, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, लेकिन तुम तो कमाल की राइटर निकली। क्या स्टोरी बनाई है। लेकिन एक बात बताऊं, तुम्हारी इस स्टोरी में बहुत बड़ा भंड है। वो क्या? पुलिस जब तुम्हारा मेडिकल करेगी ना, तो उसमें अंदर योर्स ट्रूली जाबिर के अलावा उस डड्डू और रहमू का DNA भी मिलेगा। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने सोच लिया कि तुम्हें तो मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मार कर
बेड से अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर और इसको तेरे हाथ में थम्मा कर चली जाऊंगी। शायद तुम एक चीज भूल रही हो कि कल रात उस रिजॉर्ट में सिर्फ दो ही लोग ठहरे हुए थे, एक मैं और एक तुम। तो पुलिस तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने जरूर आएगी। अबे गांडू, पुलिस जब मुझसे पूछने आएगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। बाइक खराब होने की वजह से मैं रुकी जरूर थी, लेकिन सुबह सवेरे मैं बाइक रिपेयर करवा के वापस कराची चली गई थी। वेल लेट मी एडमिट, तुम्हारी घड़ी हुई कहानी तो हकीकत से ज्यादा कन्विंसिंग है, लेकिन इसमें एक लूप होल है। पुलिस तुम्हारी कहानी को एक्सेप्ट कर ले उसके लिए मुझे मरना जरूरी है। तो मेरी जान, तुम मुझे कैसे मारोगी? ऐसे! साली मादर चोत! चोत किधर चली गई? मुझे लगता है तू मुझसे भाग के चली जाएगी। हाँ भाग भाग, कहाँ तक भागेगी? आ रहा हूं मैं। आ रहा हूं मैं। जाओ, थक जाओगी। तुम्हें पता है तुम मुझसे भाग नहीं सकती। आ जाओ यार, निगोशिएट कर लेते हैं। या तो मैं कहता हूं एक और राउंड खेल लेते हैं। नहीं आना? सही है, लगता है अब मैं ही आऊंगा। आ रहा हूं मैं। फाइनली। हाँ, लगा कि हमें कुछ तय हो गया, लेकिन नहीं। अगर तुम्हें यह भी शौक पूरा करना है तो कर लो। वैसे तुम्हें मेरी गिरफ्त का अंदाजा तो हो ही गया होगा।
कहा था ना मैं एक अच्छी राइटर हूं. यू आर राइट एंड यू नो व्हाट, एक स्टोरी में सबसे फैसिनेटिंग एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है. होप यू लाइक दिस सरप्राइज. फिक्र मत करें, ये मेरा खून नहीं है. जो फुटेज आपने देखी है वो 3 दिन पहले की है. उस वक्त जो मेरे साथ हुआ वो सब इस कैमरे में रिकॉर्ड है. मैं एक आम सी बाइकर हूँ, वी लॉगर हूँ. इधर उधर जाऊँ या घर में रहूँ, खुद को रिकॉर्ड करती रहती हूँ. ये कैमरा मेरी तन्हाई, मेरे डिप्रेशन, मेरी एंजाइटी का साथी है. जब भड़ास निकालने लगती हूँ तो इसे ऑन करके चीखने लगती हूँ. जब खुश हूँ तो इसके सामने नाचती हूँ. इधर उधर जब घूमने जाऊँ तो ये हर वक्त ऑन रहता है. फिर जब लैपटॉप ऑन करती हूँ तो जो कुछ भी रिकॉर्ड किया होता है उसे सेव करके, उसमें से काफ़ी कुछ डिलीट करके, जो बाकी कुछ बचता है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, जिसे आप सब लोग देखते हैं. लेकिन इस बार मैंने फैसला किया है कि मैं सब कुछ अपलोड कर दूँगी और मैं चाहूँगी कि आप सब उसे देखें और अपने इर्द गिर्द सबसे कहें कि वो भी देखें. मेरे अब्बा ने मेरा नाम शिनोगई रखा था. इसका मतलब जानते हैं? ये पश्तो जबान का लफ्ज है जिसका मतलब सब्ज आंखों वाली है. मेरी आंखें सब्ज नहीं हैं. मेरे अब्बा की पहली महबूबा की आंखें सब्ज थीं, तो उसे याद रखने के लिए मुझे उसका नाम दिया. मैं ऐसे बाप की बेटी हूँ जिसे उसने अपनी अम्मा या बहन के बजाय अपनी महबूबा का नाम देना मुनासिब समझा. होश संभालते ही मम्मा और बाबा को कुत्तों की तरह लड़ते हुए देखा. फिर दोनों का डिवोर्स हो गया तो मुझे दोनों ने नौकरों और बेबी सिटर्स के हवाले करके अपनी अलग अलग मसरूफियात ढूंढ ली और मैं वो बन गई जो इस वक्त हूं. एक प्रॉब्लम चाइल्ड, एक स्पॉइल्ड बेटी. मैं चर्स पीती हूँ, कभी कभार ड्रिंक भी कर लेती हूँ, हैश और कोकेन भी स्निफ किए, तीसरे बॉयफ्रेंड को 3 दिन पहले ही डंप किया, जीन्स शॉर्ट्स पहनती हूँ, कोई 2-4 मिनट हंसकर बात कर ले तो उसके साथ सुट्टा भी मार लेती हूँ. लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई प्रोस्टिट्यूट हूँ या हर किसी को अवेलेबल हूँ. मेरी जीन्स, मेरी टी शर्ट, मेरी ब्रा का नज़र आता हुक, मेरा टैटू ओपन इनविटेशन नहीं है यार कि आओ और मुझे रेप करो. आप लोग अपनी गंदी नज़रों को काबू करें. मुझे मेरी ड्रेसिंग और लाइफस्टाइल चेंज करने का ना कहें. अगली मर्तबा मैं आपको किसी वीरान साहिल पर मिलूं, तो मेरे ऊपर चढ़ने से पहले याद रखिएगा
कि जिन हरामजादों ने पहले ऐसा किया वो इस वक्त मनो मिट्टी के नीचे हैं। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, ये सोसाइटी किसी के बाप की नहीं है। हम लड़कियां आपके बाप की नौकर नहीं हैं। हम जहां दिल करेगा जाएंगी, जो दिल करेगा वो पहन कर जाएंगी। अगली मर्तबा हमने से किसी को भंबोड़ने से पहले याद रखिएगा, We know how to fight back. We do know how to avenge our honor. हम हवा की बेटियां हैं। हमें कुर्बानी देना, सर नीचे झुकाना, खामोश रहना मत सिखाएं। अपने बेटों को हमारी इज्जत करना सिखाएं। वरना ये वीडियो देखकर आप जान ही जाएंगे कि what we are capable of.